हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आएगा आपका बी प्लस सी ए ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी फोर ए बी सी आंसर लाना है। तो 4ABC लाना है तो 1 1 तो वहीं से बनता दिख नहीं रहा, ये देख रहा है कि B प्लस सी है, ये B और ये C है। तो अगर मैं R1 को R1 और R2 में से माइनस कर दूं तो R1 में 0 आ जाएगी, R1 चेंज टू R1 माइनस R2 माइनस R3, R1 में से R2 माइनस R3 माइनस हो, तो ये आ गया आपका 0, क्योंकि B प्लस सी माइनस बी माइनस सी 0 हो गया, ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस का 2 सी हो गया, ए माइनस बी माइनस ए माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस का 2 हो गया, यह आपका बी सी प्लस ए बी सी सी और ए प्लस बी। अब यहाँ से R1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, ठीक, माइनस 2 कॉमन फ्रॉम R1 0, माइनस 2 बाहर आ गया, सी बी बी सी प्लस ए बी सी सी और ए प्लस बी। अब इसे R1 के थ्रू एक्सपेंड करो, एक्सपेंड हुआ अगर दो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं आपको लगता है कि लग सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी एक्सपेंड कर रहा हूँ तो मैं तो एक्सपेंड कर रहा हूँ। पहला तो 0 ही आ जाएगा, अगला वाला माइनस आएगा, माइनस का सी आएगा, आपका प्लस भी आएगा, ठीक है यहाँ तक, माइनस का सी प्लस भी, तो ये इसके लिए से छुपाएंगे तो छुपाएंगे कितना आएगा, बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी, बी इंटू ए प्लस बी माइनस बी सी, बी के लिए से ऐड करेंगे और इसे ऐड करेंगे, बी इंटू सी माइनस सी इंटू सी प्लस रहेगा माइनस के 2, माइनस का बी सी बी इंटू ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी सी रहेगा प्लस बी बी सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस के सी आएगा माइनस के 2, माइनस का ए बी सी माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का बी सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी माइनस का बी सी स्क्वायर माइनस का ए बी सी, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी, कितना आंसर आ गया आगे 4ABC। अभी दोबारा समझ लेते हैं एक बार, R1 को चेंज किया, R1 माइनस R2 माइनस R3, तो B प्लस सी माइनस बी माइनस सी कितना आ गया 0, A माइनस सी माइनस ए माइनस सी ए से कैंसिल हो गया माइनस 2 किया, A माइनस बी माइनस ए माइनस बी ए से कैंसिल माइनस के 2 ए से माइनस के, R1 से माइनस 2 कॉमन लिया, फिर से R1 के थ्रू हमने एक्सपेंड कर दिया, 0 माइनस के सी प्लस बी माइनस सी में इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बी में इसे ऐड करेंगे और इसे ऐड करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सॉल्व करके आंसर कितना आ गया 4ABC। मल्टीप्लाई करिए बस अंदर, तो बाकी
सी बी इंटू ए प्लस बी करा था तो ये आ गया आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी सी, बी बी सी माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी माइनस के टू माइनस के ए बी सी माइनस के बी स्क्वायर सी प्लस का बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी माइनस का बी सी स्क्वायर माइनस के ए बी सी माइनस का टू ए बी सी बचा प्लस का फोर ए बी सी आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 17। अब ये सॉल्व करना है, पहले इसको जीरो बना लेंगे इसके हेल्प से, इसको भी जीरो बनाएंगे इसके हेल्प से। तो आर वन को आर टू को चेंज करेंगे, आर टू कैसे चेंज होगा, R2 टू चेंज टू आर टू माइनस राइस ऑफ आर वन और आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस सिक्स राइस ऑफ आर वन। आर टू की वैल्यू चेंज होगी, आर टू चेंज टू आर टू माइनस आर राइस ऑफ आर वन, आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस सिक्स राइस ऑफ आर वन। तो कितना आएगा ये, ए आ जाएगा आपका थ्री ए माइनस, पहले तो ये तो सेम आ गया ए प्लस टू बी, ए प्लस बी प्लस टू सी, यह आ जाएगा आपका थ्री ए माइनस थ्री ए जीरो, फोर ए प्लस सिक्स बी माइनस का थ्री ए माइनस का सिक्स बी, सिक्स बी से सिक्स बी कैंसिल माइनस का ए। अगला कितना आएगा फाइव ए प्लस सेवन बी प्लस नाइन सी माइनस का थ्री ए माइनस का थ्री बी माइनस का सिक्स सी, फाइव ए में से थ्री ए गया तो कितना बचा टू ए प्लस फोर बी और नाइन सी में से सिक्स सी जाएगा तो कितना बचेगा थ्री सी, ये कितना है टू ए प्लस फोर बी प्लस थ्री सी, सिक्स ए माइनस सिक्स ए कितना है जीरो, नाइन ए प्लस ट्वेल्व बी माइनस का सिक्स ए माइनस का ट्वेल्व बी, ट्वेल्व बी से ट्वेल्व बी कैंसिल कितना बचा थ्री ए, यहाँ कितना आएगा इलेवन ए प्लस फिफ्टीन बी प्लस एटीन सी माइनस का सिक्स ए माइनस का सिक्स बी माइनस का ट्वेल्व सी, फाइव ए प्लस नाइन बी प्लस सिक्स ए, ठीक है। अब इसे किसके थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, सी वन के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड थ्रू सी वन, एक्सपेंड थ्रू सी वन, तो सी वन के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा ए, बाकी तो सब जीरो ही हो जाएगा माइनस जीरो प्लस जीरो, इसमें इसे हाइड करेंगे तो इसे हाइड करेंगे, दिस इनटू दिस फाइव इंटू ए कितना आएगा माइनस का फाइव ए स्क्वायर माइनस का नाइन ए बी माइनस का सिक्स ए सी, थ्री टू द सिक्स प्लस दस इंटू दस माइनस का सिक्स ए स्क्वायर, यह आएगा आपका दस इंटू दस माइनस दस इंटू दस सिक्स ए स्क्वायर, थ्री फोर जो ट्वेल्व ए बी आंसर लाना है माइनस का ए क्यूब
क्वेश्चन है आपका ए ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी प्लस सी सी, क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है कॉपी तो सब पे। फोर ए प्लस सिक्स बी, फाइव ए प्लस सेवन बी प्लस नाइन सी, इलेवन ए प्लस फिफ्टीन बी प्लस एटीन सी, यहाँ चेंज होगा। फाइव ए, ये टू बी है और प्लस थ्री सी, तो आएगा आपका फाइव ए प्लस सेवन बी प्लस नाइन सी, माइनस का थ्री ए, माइनस का सिक्स बी और माइनस का नाइन सी, टू ए प्लस बी सी फिनिश, इलेवन ए प्लस फिफ्टीन बी प्लस एटीन सी, माइनस का सिक्स ए, माइनस के ट्वेल्व बी, माइनस का एटीन सी, ये बचेगा फाइव ए और थ्री बी, फाइव ए प्लस थ्री। अब इसे एक्सपेंड कर देते हैं सी वन के थ्रू, एक्सपेंड टू सी वन, कितना आएगा आपका ए, लिसन टू दिस, कितना आएगा माइनस का फाइव ए स्क्वायर, फोर ए प्लस सिक्स बी, माइनस के थ्री ए, फाइव ए स्क्वायर प्लस के थ्री ए बी, बीच में माइनस आता तो माइनस का सिक्स ए स्क्वायर और ये कितना आएगा माइनस के थ्री ए बी, थ्री ए बी से थ्री ए बी कैंसिल हो गया, ए इंटू माइनस का ए स्क्वायर, माइनस ए क्यूब आ गया। इजी क्वेश्चन था, आर टू चेंज किया, आर टू चेंज टू आर टू माइनस फाइव ऑफ आर वन, आर टू चेंज टू आर थ्री माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ आर वन, सी वन के थ्रू एक्सपेंड कर दिया, सिंपल क्वेश्चन। मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने फर्स्ट आर वन गलत कॉपी कर लिया था, करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस का सी माइनस का बी, माइनस का सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए, माइनस का बी माइनस का ए, ए प्लस बी प्लस सी, आंसर आना है टू, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस के बी माइनस के सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस के ए, माइनस के बी माइनस के ए, ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड कर देते हैं, देखो ऐड करूंगा तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये कितना आएगा, ये आपका बी बचेगा, ये आपका ए बचेगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्या किया जाए इसमें, आंसर लाना है टू ए प्लस बी प्लस सी, देखो अगर इसमें ऐड करता हूँ तो ए प्लस बी बचेगा, यहाँ से कटेगा तो ए प्लस बी, यहाँ से आर टू को चेंज करो, आर टू प्लस आर वन और आर थ्री को चेंज करो, आर थ्री प्लस आर, ठीक है, आर टू को आर टू प्लस वन आर वन कर दो और आर थ्री को आर थ्री प्लस आर वन, यहाँ जगह ए प्लस बी प्लस सी माइनस के सी और माइनस के बी, यहाँ जगह ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो ए प्लस बी जाएगा, यह आएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, तो कितना आएगा ए प्लस बी, यह आएगा माइनस के ए और माइनस के बी, यह आएगा आपका ए प्लस सी, यह आएगा आपका माइनस ए माइनस सी, यह आएगा आपका ए प्लस। अब आर टू से ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी कॉमन,
ए प्लस बी एंड ए प्लस सी कॉमन फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री। क्या आ जाएगा आपका ए प्लस बी और ए प्लस सी जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस के सी माइनस के बी वन वन माइनस वन वन माइनस वन और अब मैं आर थ्री को चेंज कर लेता हूँ आर थ्री माइनस आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर टू फिर आर थ्री को चेंज कर लेते हैं आर थ्री चेंज टू आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री में आर टू ऐड कर लो आर थ्री में आर टू तो ये बाहर तो ए प्लस बी ए प्लस सी ऐड कर रहे हैं ये क्वेश्चन था तो रख कर दिया क्वेश्चन रख दिया तो बाहर का हो गया तो ए प्लस बी और ए प्लस सी ए प्लस बी ए प्लस सी ये तो ऐसे चल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस के सी माइनस के बी वन वन माइनस वन टू जीरो और अब इसे एक्सपेंड कर देता हूँ किसके थ्रू आर थ्री के थ्रू एक्सपेंड थ्रू आर थ्री रहेगा ए प्लस बी ए प्लस सी फिर इसके लिए इस हाइड कर देंगे इस हाइड कर देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो प्लस माइनस प्लस प्लस ये आएगा टू या आपका हाइड हो जाएगा हाइड हो जाएगा आएगा माइनस के बी रहेगा सी प्लस बी बाकी टू तो आंसर आएगा टू ए प्लस बी बी प्लस सी और पहले मैंने क्या चेंज करा आर टू में आर टू प्लस आर वन करा फिर आर थ्री में आर थ्री प्लस आर वन करा क्वेश्चन लब कर दिया है लेकिन उससे बेनिफिट मिला यहाँ पे ए प्लस बी आ गया और यहाँ ए माइनस सी आ ए प्लस सी आ गया कॉमन निकाल लिया फिर आर थ्री को चेंज करा आर थ्री चेंज टू आर थ्री प्लस आर टू फिर एक्सपेंड कर दिया किसके थ्रू आर थ्री के थ्रू आंसर ये कौन सा क्वेश्चन था आपका 19 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हम जो क्वेश्चन नंबर 20 में है आर थ्री को चेंज करूंगा कैसे चेंज करता हूँ आर थ्री को आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस एक्स इंटू आर वन माइनस के वाई इंटू आर एक्स इंटू आर वन माइनस के वाई इंटू आर टू देखो भाई ये तो ए रह गया ये बी रह गया ये ए एक्स प्लस बी वाई आ गया ये बी आ गया ये सी आ गया ये बी एक्स प्लस सी वाई आ गया अब देखो आर थ्री कितना आर थ्री आपका ए एक्स प्लस बी वाई ठीक है माइनस के एक्स इंटू आर वन
एक्स इंटू आर कितना है ए, माइनस के वाई इंटू आर कितना है बी, ए एक्स से एक्स कैंसिल, बी वाई से बी वाई कैंसिल, जीरो। फिर इसको चेंज करो, बी एक्स प्लस सी वाई कितना आएगा, एक्स इंटू बी माइनस का एक्स इंटू बी माइनस का वाई इंटू सी, सी वाई से सी वाई कैंसिल, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, आगे जीरो। बच्चा क्या इधर लास्ट वाला बचेगा तुम्हारे पास जीरो, माइनस का ए एक्स इंटू आर तो आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स वाई, माइनस का बी एक्स वाई और माइनस के सी वाई स्क्वायर, क्या जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस के टू बी एक्स वाई और माइनस के सी वाई स्क्वायर। अब इसको हम आर सी के थ्रू क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड थ्रू आर सी, प्लस माइनस प्लस होगा, ये जीरो ये जीरो, ये प्लस आएगा तो आएगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का टू बी एक्स वाई माइनस का सी वाई स्क्वायर। इसे हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे तो कितना आएगा, ए इंटू सी माइनस का बी इंटू बी, तो आएगा बी सी माइनस का बी इंटू बी बी स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, आ गया आंसर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का टू बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लो, बी स्क्वायर माइनस 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 मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, आ गया आंसर। बस कंसेप्ट ये समझने वाला है, आर थ्री चेंज टू आर थ्री माइनस एक्स इंटू आर वन माइनस वाई इंटू आर टू, या अब आर थ्री के थ्रू एक्सपेंड कर दिए क्वेश्चन से। आपके 20 तक क्वेश्चन फिनिश हो गए, कोशिश करेंगे भी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल 20 तक क्वेश्चन आप करें, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर सेंड करें। Thank you.